हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान अड्डा पे। किसान वीरों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि इस समय हमारा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ, जिसके कारण हमारे यूपी के कई हिस्सों में बारिश होने के जो आसार हैं वो बढ़ गए। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ज़िले रहेंगे बारिश से, वो हमारे पूर्वी यूपी के होंगे, जैसे कि गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, ये इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो बारिश का कहर है देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। और जो रही बात पश्चिमी यूपी के ज़िलों की, तो वहाँ भी छुटपुट बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि ये जो बारिश होगी किसान वीरों, वो आपकी 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 14 तारीख को काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि इसका जो किसान में सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो पश्चिम बंगाल में जो इस समय निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा लगातार वो प्रभावी रूप लेता जा रहा है, तो इसके कारण जो बारिश होने के जो आसार हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई, जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और उन्होंने अपने गन्ने की बंधाई अभी एक या दो करवाई हैं, तो गन्ने की बंधाई आप अवश्य 2 से 3 या 4 बंधाई आप गन्ने की जरूर कर लें, जिससे कि आपका गन्ना तेज़ हवाओं को झेलने में सक्षम है। क्योंकि बारिश जब होगी तो उनके साथ तेज़ हवाएं चलने का भी अंदेशा जताया गया है, तो हवाएं तेज़ी से चल सकती हैं, बारिश भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो कुल मिला के किसान वीरों, आपको आने वाले दिनों में बारिश होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ गए, जैसे कि 14 तारीख को बारिश काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। जैसा कि आप लोग कई अगर वेदर ऐप भी खोलेंगे, जैसे एक्वा वेदर हुआ, जहाँ फिर आपका गूगल पे अगर सर्च करते हैं, आप गूगल वेदर पे देखते हैं, तो सभी पे आप जो बारिश होने का अंदेशा है वो 14 तारीख से आप देखेंगे कि सभी जगह आपको जो बारिश जो है वो शो हो रही होगी। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ज़िले रहेंगे वो पूर्वी यूपी के जो सामने ज़िले होने वाले हैं। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।